কত পিস লঞ্চ হবে এটা 400 পিস 400 পিস 10 টাকা পিস আমাদের কারখানা কোন কোন দিকে আমাদের ওপারে একটা দোকান আছে ওইখানে কারখানা আছে গুড ইভিনিং पीछे है मेरा रोड NH2 और हाथ में है लंचा तो आप आइडिया कर सकते हो हम लोग अभी कहाँ पर आए हैं हाँ जी लंचा खाने के लिए हम लोग आए एकदम यहाँ पर जो है एक हाइप बना हुआ रहता है लंचा के बारे में और ये रोड के ऊपर जितना सारा दुकान है सभी लोग बोलते हैं कि ये लोग खुद लंचा का बहुत ऐसा ही बहुत फेमस है मेरा दुकान से खाइए तो ऐसे एक दुकान में आए हैं आदि कोशी घोष बिखातो लंचा मतलब नाम में ही ये लोग डाल दिए कि बिखातो लंचा और दे आर ऑलरेडी फेमस सो लंचा ट्राई करने वाले हैं कैसा है लंचा लंचा आप लंचा खा रहे हो पसंद लंचा लंचा टेस्ट वाइज जैसा भी है गुड बट उससे इम्पोर्टेंट बात ये है जितना आप लोग जानी करते हैं तो एक ब्रेक चाहिए उन लोगों को और वो ब्रेक है इस टाइप का मिठाइयों का दुकान यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिल जाएगा इवनिंग का जो स्नैक्स है वो मिल जाएगा झालमुरी वगैरह चाट वगैरह मिल जाएगा जो कि अभी हम लोग खाने वाले हैं तो चलिए लंचा खाना तो मेरा हो गया अभी खाएंगे जो है झालमुरी प्रेजेंटिंग रोड साइड झालमुरी वो भी 18 टाइप का इंग्रेडिएंट से बनाया जाएगा तो दादा 15 टाइप का झालमुरी बन गया फटाफट करके झालमुरी अभी बनाया झाल कम आसे अभी क्लियर हिरोर मत देखते लगते हैं सब डाला हुआ है और इधर है वो आम का अचार करते हैं अचार इस रोड साइड जितना भी खाना है खाने का मजा बस यही है कि आप सफर करते करते इसका जो एक तीखा और एक खट्टा वाला जो आपको जो फ्लेवर मिलेगा ना वो आपको थोड़ा बूस्ट अप करेगा तो दिन में मोटामोटी क्योंकि सारा दिन टाइमिंग की तुम्हारे सारा दिन मतलब मॉर्निंग कटा थे मॉर्निंग में तो 10টা 10:30 আছে আবার রাতে 10টা 11টা 12 घंटा भैया जो है काम करते हैं सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 11 तक काम करते हैं रोड पे बाई रोड सफर करो बाई ट्रेन आपको ये जो झालमुरी है ये आपको बढ़िया मिलने वाला है और इसका सिग्नेचर ये है कि ये आपका आखिर में थोड़ा सेवैया झूरी भाजा आलू भुजिया जो और साथ में ये नारियल का एक पीस आपको और एकदम मसाला से भरपूर मसाले से एकदम भरपूर है only 15 seconds.